हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करते हैं एमआरआई लेफ्ट शोल्डर। तो आज हम आपको इसमें ये बताने वाले हैं एफओबी क्या रखते हैं, सीक्वेंस कौन से रखते हैं, थिकनेस कौन कितने रखते हैं, स्पेस क्या रखते हैं, और उसके बाद फिल्मिंग कैसे करते हैं, वो सारा कुछ बताते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पैक से कनेक्टेड है तो एक्नॉलेज करने के बाद आपको यहाँ पे वेट डालना है, उसके बाद सीधे शो प्रोटोकॉल पे जाना है। शो प्रोटोकॉल के पे जाते के साथ यहाँ पे शो प्रोटोकॉल उठा ली है, मतलब सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट एग्जाम करना है या फिर एक्सेप्ट का जो ऑप्शन आता है वो करना है, उसके बाद स्टार्ट एग्जाम करना है। स्टार्ट एग्जाम करते के साथ आपको इसमें ये दिखाएंगे कि एक्सेप्ट करना है, उसके बाद सेव आर एक्स करते हैं। सेव आर एक्स करने के बाद स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद लोकलाइजर आ जाता है, लोकलाइजर यानी स्काउट या टोपो जो भी बोलते हो आप। तो उसके बाद हम इसमें आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसमें अगर लोकलाइजर पाँच है, पाँच इमेजेस आ रहे हैं सैज के, पाँच इमेजेस कोर के आ रहे हैं, पाँच इमेजेस सैज के आ रहे हैं, एक्सजीएल के आ रहे हैं, तो आप उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, डुप्लीकेट एंड सेटअप करने वाले हैं। और डुप्लीकेट एंड सेटअप करने के बाद मैं यहाँ पे एक सेव आरएक्स के नीचे यहाँ पे साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखाऊंगा मैं। वहाँ पे पांच हमारे लोकलाइजर दो इमेजेस थे, वहाँ पे पांच आ गए हैं, पांच पांच करके सेट कर रखा है हमने। लेकिन उसमें अब हम आपको 10 इमेजेस करेंगे ताकि सैज का 10, एक्सजीएल 10, कोर 10 आए। तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो डुप्लीकेट एंड सेटअप हमने कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि फोकस करके अच्छे से दिखाएं। तो यहाँ पे उसको करने हम 10 करते के साथ देखेंगे आप स्क्रीन पे बढ़ जाती है इमेज, स्लाइसेस जो होती है वो बढ़ जाएगी हमारी, तो स्लाइसेस यानी इमेजेस बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से करने के बाद आपको जो सेंटर में आ जाएगा आपको इमेजेस, और सेंटर में आने के बाद आपको दोबारा से सेंटरिंग वगैरह पोजिशनिंग वगैरह नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सेव आर एक्स करते के साथ, सेव आर एक्स करने के बाद स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको हम ले चलेंगे कि करना सीक्वेंस कौन कौन से लेनी है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लेनी है और थिकनेस क्या रखनी है, स्पेस क्या रखनी है। तो हमने स्टार्ट कर दिया है, चलो आपको बता देते हैं। एक्सजीएल मर्ज लेना है आपको, एक्सजीएल पीडी लेना है, एक्सजीएल पीडी पॉपुलर, एक्सजीएल पीडी फैट सेट लेना है, सैज पीडी फैट सेट लेना है, कोर पीडी फैट सेट लेना है आपको, एक्सजीएल पीडी फैट सेट हमने बता ही दिया आपको, कोर पीडी पॉपुलर लेना है आपको, एंड कोर T2 लेना है आपको, कोर T1 लेना है आपको, सैज T2 लेना है आपको। तो इस तरीके से आपको अगर अदरवाइज जो रेडियोलॉजिस्ट है अगर वो बोलता है कि नहीं सैज T1 भी ले लो, सैज कोर T2 भी ले लो, तो उस तरीके से आप ऐड सीक्वेंस करके ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमने आपको बता देते हैं हम आपको क्या सर हमने क्या एफओबी क्या रखा है, और हमने थिकनेस क्या रखा है, और स्पेस हमने क्या रखा है। तो अगर अदरवाइज हमारे में थिक अगर थोड़ा सा पेशेंट अगर फैटी हो तो आपको हम बता देते हैं कि फैटी पेशेंट को हमने थोड़ा एफओबी 14 था हमारा, बट हमने 16 कर लिया। थिकनेस हमने तो हमारा हमने 3.5 का रखा है, स्पेस हमने 0.5 रखा है, स्लाइसिस हमने 24 या 23 या 20 अगर 26 28 20 30 तक आप रख सकते हैं। लेकिन 30 तक रखने के बाद ये है कि आपका टाइमिंग वगैरह थोड़ा बढ़ जाता है, तो हमने 23 स्लाइसिस रखे हैं और स्पेस हमने रखा है 3. स्पेस हमने रखा है 0.5, थिकनेस रखा है 3.5 और एफओबी हमने बढ़ा लिया है 14 से 16 कर दिया है हमने। 100 स्लाइस हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियरिटी और अच्छे से दिखे। और यहाँ सैड बैंड हम ऑफ कर लेते हैं और सिम स्लाइस जो भी है ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको अच्छे से चाहेंगे कि प्रॉपर दिखाए, और हम आपको इसमें अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे क्वाइल कैसे आप बांध सकते हैं, वो सारा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। या फिर स्टार्टिंग में हम थंबप्लेट वगैरह हम लगा देंगे ताकि आपको उसमें क्वाइल आती, मतलब लार्ज फ्लेक्सिस क्वाइल है वो कैसे आप पेशेंट को क्वाइल कैसे बांधे वो हम आपको दिखाएंगे। और इसमें हम आपको बताते हैं फिल्मिंग कौन कौन सी देनी है। एक्सजीएल देनी है, एक्सजीएल मर्ज आपको देनी है, कोर पीडी फैट सेट देनी है, सैज पीडी फैट सेट देनी है आपको, एंड और बता देता हूँ मैं आपको सैज पीडी फैट सेट, सैज पीडी एक आता है नॉन फैट सेट वो भी देना है आपको,
कोर T2 देना है आपको, कोर T1 भी दे देना है आपको, सेट 3D पॉपुलर्स देना ही है, फैट सेट ऑफ बताई दिया, ये 4-5 फिल्में आपको देनी है और इस तरीके से आप लेफ्ट शोल्डर करनी है आपको। इसमें अगर आप राइट शोल्डर करते हैं तो जो इसमें हम कोर की प्लानिंग करेंगे लेफ्ट में, वो अगर राइट करते हैं तो वो सैज की प्लानिंग हो जाती है, और जो हम लेफ्ट में सैज की प्लानिंग करेंगे अगर वो राइट शोल्डर करते हो तो लेफ्ट की प्लान कॉर्नल की प्लानिंग हो जाती है, यानी अपोजिट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं और बाकी कुछ खास है नहीं आपको। तो इस तरीके से है शोल्डर का MRI कर सकते हैं आप लेफ्ट शोल्डर का। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपके तक पहुंचा सके। ये हमारा सेज का प्लानिंग है, ये हम आपका सेज का प्लानिंग बता रहे हैं आपको लेफ्ट का। ये जो है हमारा सेज का प्लानिंग है, वो आप देख सकते हैं। प्रयास हमेशा ये करना है कि अगर आप सेज की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोर की कोर पे जो बोन्स है हमारी हुमरस है उसको बीचों बीच स्लाइस निकालें, प्रयास ये करना है। ये एक्सियल मर्ज हमारा आ गया है, और आप जो भी अगर आप स्लाइस जैसे सेट कर लेते हैं उसके बाद सेव आरएक्स करना है, स्कैन करना है, वो तो आपको पता ही है। अदरवाइज कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमारे को कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से हम फिल्मिंग के लिए बताएंगे आपको कैसे फिल्मिंग करते हैं। तो यहाँ से हमने एक्सियल T2 मर्ज हमने उठा लिया है, और उसके बाद इस तरीके से 2D व्यूअर करना है। 2D व्यूअर करने के बाद F2 प्रेस करना है। F2 जैसे प्रेस करेंगे आपका जो दूसरा मोनिटर होगा उस पर इस तरीके से कुछ दिखेंगे, और फिर आप यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं अगर G पे काम कर रहे हैं तो। अदरवाइज सीमेंस में तो सेम एक ही मॉनिटर से आप प्रिंट भी कर सकते हैं एंड फिल्मिंग भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमने वर्क स्टेशन उसमें भी होता है, वर्क स्टेशन इसमें भी होता है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट शोल्डर का MRI कर सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो हर वीडियो आपके तक पहुँच सके। इस तरीके से आप फिल्मिंग वगैरह दे सकते हैं, सैज PD फैट सेट, कोर PD फैट सेट और एक्सियल PD फैट सेट, कोर T2, कोर एंड सैज T2 एंड कोर T1 भी हमने दे दिया है। 5-6 फिल्म दे सकते हैं, अदरवाइज आप 1-2 कम भी दे सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं ये नीड नहीं है तो आप कम भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप लेफ्ट शोल्डर का MRI कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।